क्या हाल है निम्रा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। वैसे डिंपल गर्ल भी आपको कहा जा सकता है, बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा ना, इतने क्यूट डिंपल्स हैं। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं लड़के तो आपको। बहुत डिंपल्स पे फिदा होते मरे होंगे। मरे जाते हैं ऐसे वैसे। अच्छा निम्रा, खुद नहीं बड़ी होती, नाक बड़ा हो जा रहा है। इंतहाई जेलस पर्सन है आपको पता है निम्रा। हमें थोड़ा सा हम आपके बचपन की तरफ जाते हैं। स्टिल यू आर यंग माशाल्लाह, लेकिन फिर भी हाँ। मुझे ये बताओ कि मीडिया में कैसे आई, शुरू कैसे किया, किसने ऑफर दी या खुद से अप्रोच किया, सारी कहानी आज सुना दो। बचपन से गाने का शौक तो था ही, ठीक और है, पता भी था गाना है, लेकिन इजाजत, खैर ऐसा फैमिली में कभी कोई था नहीं, तो पता नहीं था कभी गा पाऊंगी या नहीं। तो बस ऐसे ही यूनिवर्सिटी में बैठे थे, एक प्राइवेट चैनल पे एक ऑडिशन हो रहा था। अच्छा। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि यार तुम अप्लाई करो ना, तुम जाकर देख आओ कैसा होता है। और फिर मैं जब वो उस टीवी चैनल पे पहुंची थी, तो वहाँ पे अली अब्बास साहब और सनम मारवी, हमारी अच्छा। बहुत अच्छे सिंगर थे दोनों, वो दोनों उसको जज कर रहे थे। तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो लोग ऑडिशन देने आए थे, दे आर लाइक क्वाइट टैलेंटेड। तो बस वहाँ पर पता नहीं लक काम कर गई या कुछ ज़्यादा ही अच्छा, वो जुनून में कुछ अच्छा गा गई मैं। अच्छा। तो वो बस वहाँ से ऐसा हुआ था कि मैं वो कॉम्पिटिशन जीती थी। निमरा दा जिड्डा सोना नाक के ना। हाँ जी। ए वड्डी होके कुड़ियां दा इफ्तिखार ठाकुर बनेगी। बड़ा बेशरम है तू। तू ए कह रहा है कि दा नाक इंजदा है ते इफ्तिखार ठाकुर बन जाएंगी, जेहो जेहो दे डिंपल ने, ए क्यों नहीं कह रहा है कि वड्डी होके प्रीति जिंटा बन जाएगी? हाँ, देखा ये पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिविटी देखो भाई। वैसे भी मैं हूँ प्यारी। निमरा दा नाक के ना एक करैक्टर है, नक दे मगर पै गए, खबरदार तू हुण नक दे बारे कुछ कर, तेन को होर गल नहीं आती, नक दा सुआ जो मर्जी कह ला बाबा, जेहो जेहा निमरा दा नक के ना। दादा भी नासी क्यों? क्योंकि बाबा साडा ना दो तीन हासियां दी मार है। जिस तरह हसदी ओदी इक स्माइल दी मार आ। मैं बाबे नूं पता किवें पहले तुसीं कहना, बाबे नूं कहना फिर सिखना, फिर इन्हें कहना हा 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 हा, जी फिर निमरा ने कहना नहीं, मैं उठ के बह जाना, वही हूं मैं। निमरा, प्यार मोहब्बत इश्क की बातें हो रही है, मुझे ये बताओ कभी किसी से प्यार हुआ, मोहब्बत हुई? नहीं, हंसने का मतलब है हाँ। फिर ना हाँ वास्ते नहीं हंस रही, फिर शी इज काउंटिंग कितनी बार प्यार हुआ है। निमरा, प्यार एक बार ही होता है, नहीं दो बार भी हो सकता है वैसे तो। प्यार एक दफा था, बाकी तो चपला ही होती है। ये बस एम ही है कि प्यार एक दफा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। प्यार हो सकता है, आपको कुछ पसंद आ सकता है, आपको आपका दिल किसी के साथ लग सकता है। या हमारा भी लगा, हमें भी हुआ। कितनी दफा दिल लगा, किससे दिल लगा? नहीं खैर, मेरा इतनी दफा तो नहीं लगा, लेकिन लगा। अच्छा, नतीजा क्या निकला, क्या आपने उनको छोड़ा या उन्होंने आपको छोड़ा? नहीं नहीं किसी ने किसी को नहीं छोड़ा। अभी चल रहा है ये सिलसिला, सब पूछोगी क्या? ओए शहद खान जी, खंजर लिया, मैं खुद कशी करनी है। तुसी सिर अगे करो, मैं कप मार के तोड़ी खेत पार दूँ। छट कप्पा नू चमोटा मार। लोग जानना चाहते हैं कि निम्रा की लाइफ में क्या चल रहा है। निम्रा की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और माशाल्लाह, एंड आई विश कि ऐसे चलता रहे। और या हाँ बस, तो क्या शादी करने के प्लान्स हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसे ना भी पसंद हो ना, तो मेरे लिए उसको सुनना अच्छा लगता है। ढोलक वाले ना तो नहीं फस गई शर्माउंदा ही? नहीं नहीं, नहीं, मुलाकात कहाँ हुई, पहली दफा मिली कहाँ? इतना कुछ नहीं बताऊंगी मैं, अभी तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं। तो रैंडमली बता दो ना, हमने कौन सा पूछा, नाम क्या है? बस ऐसे ही देखा था तो अच्छा लगा। कहाँ देखा? उन्होंने मुझको देखा, मैंने उनको देखा। नहीं कहाँ देखा, किसी इवेंट पे? शो पे देखा, किसी शो पे देखा, गंदे नाले पे देखा, किसी ग्राउंड में देखा? मैंने उनको एक्चुअली इंस्टाग्राम पे देखा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे देखा। उन्होंने भी आपको देखा इंस्टाग्राम? मुझसे पहले, बहुत पहले उन्होंने मुझे देखा हुआ था। उस आदमी में कोई खासियत न थी। हाँ, इतना जरूर है कि अच्छा लगा। ओ बाबा, शेर ना बना, बच्ची जवान है, उदा जहेज बना। हाँ, बच्ची विया था कि शायद खान दी भी दिहाड़ी लगे।
निर्मल तुमने मुझे बचा लिया। सातवीं आठवीं कमेटी तोड़ के खप पान वाली की दौड़े तो मैंने लगी आपके कान के नीचे है। कान मेरी तोंच लगी। हां एग्जैक्ट। ए शाहिद खान ना पहले कुड़ी दा दिल मांगदा है। अगर वो दिल ना देवे तो फिर उसे कुड़ी दे ब्याह ते जाके ओदी जंज मांगदा है। निमरा बताओ ना ओ बाबा तेनु की दसे सब कुछ तो दस बैठी है एडा तू लाड ला मुझे बचाओ ने। और बिल्कुल ना बताना इसने इश्क से मना नहीं करना उस बंदे से खर्चा लेना। आशिक लोग सखी नहीं होते कंजूस होते नहीं हर कोई आपके जैसा थोड़ी होता है। निमरा आप भी हाल ही में टिकटॉक पे काफी वायरल हुई है मुझे ये बताएं कौन सी टेक्निक आपने यूज की है। नहीं एक्चुअली वो कोई टेक्निक नहीं थी हमारे कॉन्सर्ट्स चल रहे थे तो मल्टीपल लोग इतना क्राउड होता है तो सब वीडियोस बनाते हैं तो उन्होंने जहाँ जहाँ लगाना शुरू किया मुझे टैग करना शुरू किया तो वो सारी हमारे कॉन्सर्ट्स की वीडियोस हैं। कुछ मेरा अपना नहीं है इतना स्पेसिफिक लेकिन ये था कि वो वीडियोस सारी मेरे गानों की थी मेरे परफॉर्मेंसेस की थी तो वो बस उसी की वजह से हो गई वायरल उसी से मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ गए बस यही हुआ मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा कुछ स्पेसिफिकली नहीं बिल्कुल नहीं मैंने कोई टेक्निक नहीं है बोला ना कि जो जितना क्राउड होता था हमारा जितनी ऑडियंस होती थी वो सब वीडियोस बनाते हैं जैसे सब ऑडियंस बनाती है सब क्राउड बनाता है ऐसे वो बनाते थे एंड दे टैगिंग मी ऑन इंस्टाग्राम दे टैगिंग मी ऑन मतलब मल्टीपल सोशल मीडिया चैनल्स वहाँ पे जो थे प्लेटफॉर्म्स तो बस वहीं से हो गया। लेकिन आप अनप्लग्ड वीडियोस डालती हैं गाने गा गा के। हाँ वो मेरा शौक है वो मैं मतलब ऐसे कहीं बैठे हैं आप गा रहे हो स्टूडियो बैठी हूँ तो गा लिया यहाँ बैठी हूँ तो एक रैंडम छोटा सा एक वन मिनट का वीडियो बना लिया तो वो मैं मोस्ट प्रोबेबली टाइम टू टाइम अपलोड करती रहती हूँ ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ इंटरेक्ट करती रहे और कनेक्टेड रहे। हाँ इस तरह से। बाबे दा ना वीडियो आज तिकर वायरल नहीं होया। अच्छा 40 साल पहले बनाया सी। 40 साल पहले टिकटॉक हुंदा ही नहीं सी बस खाली टिक 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 हुंदी सी। जेड़े बंदे ने टिकटॉक इजाद किया सी ओदे नाल मिलके इहने टिकटॉक बनाया सी ओ किते दा किते निकल गया ए इत्थे ही बैठा है ओ टिक टिक करके निकल गया मैं टॉक शो च बह गया। बाबे दा वीडियो क्यों नहीं वायरल होया एक वीडियो पांदा 7-8 महीने बाद ओ भी सुबह 3:30 बजे। बाबे ने जो तो पहला टिकटॉक पाया ना लोगों ने इनू मैसेज भेजे की क्या लोगों ने कहा तेरे टिक दा भी फिटे मुंह ते टॉक तेरी एक टगे दी नहीं हैगी। निमरा मीडिया में शोबिज में कौन सबसे ज्यादा ताड़ू मिला। सबसे ज्यादा ताड़ू मिला और स्टिल मिल रहा है बैठा हुआ है सामने तब से टिंड करा के अगर आपको डुएट करने का मौका मिले किस सिंगर के साथ फॉरेन से कर लोगी किसको कहोगी सोच कर बताऊंगी और किसके साथ बिल्कुल नहीं करोगी। आपके ऑप्शंस हैं आयमा बेग कुरतुलैन बलोच हदीका कियानी किसके साथ चलो फॉरेन से कर लोगी बगैर सोचे। मैं हदीका हदीका कियानी yeah. के साथ फॉरेन से कर फॉरेन से करनी शी इज वेरी गुड। किसको yeah. बोलोगी सोच के बताऊंगी आयमा आयमा को कहोगी सोच के बताऊंगी हाँ या और कुरतुलैन बलोच को बोलोगी कि मैं आपके साथ डुएट नहीं करना चाहती। मैं करना चाहती हूँ लेकिन मैंने तो मेल सिंगर्स के बारे में भी बताओ किसके साथ फॉरेन से डुएट कर लोगी किसको कहोगी सोच कर बताऊंगी और किसको कहोगी कि बिल्कुल डुएट नहीं करना चाहती। योर ऑप्शंस आर अमानत अली अली जफर आसिम अजहर। अच्छा जिसके साथ फॉरेन कर लूंगी दैट आसिम जी बच्ची बेवर स्टूडियो वाले गाने करने से ताने आसिम अजहर दा नाम लिया अब बाबे दे सिर ते जेड़ी मर्जी शहर रखो हां जी इनु पूछो नु आसिम अजहर दा सिर्फ निमरा दी गल च बोलन दा चस्का नु ते एवें बोली जा रहे ये काश एक गल निमरा नु भी समझ आ जाए। जी किसके साथ फॉरेन से आसिम अजहर के साथ फॉरेन से हाँ। किसको कहोगी कि सोच कर बताऊंगी अमानत अली को बोलूंगी सोच के बताऊंगी और अली जफर को बोलूंगी कि हम करेंगे अली जफर के साथ डुएट करना है आपने हाँ करना है लेकिन ऑप्शन ये बचता है कि मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी तो मैंने बोला ना कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी पर मैं करना चाहूंगी। बड़ी बड़ी टाड़ी बची दे कोई शो हथों नहीं दे जाने बिल्कुल नहीं। निमरा मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी आपने बताना है कि जब ये आप अल्फाज सुनती हैं तो जहन में क्या आता है। शोबिज के लोगों का नाम लेना है मीडिया के लोगों का आपने नाम लेना है या फिर सिंगर्स का क्योंकि मेरा जो ये सवाल है बेसिकली इट रिवॉल्व्स अराउंड द सिंगर्स। बिसुरा यार वो है सिंगर ताहिर शाह बहुत ही कोई बकवास गाता है। बिसुरा तो बहुत छोटा लफ्ज है भाई बहुत ही बकवास गाते हैं। Angel eyes and one pound fish, right? My God, कैसे कर लेते हो यार? कहाँ जाते हैं लोग? कहाँ जाते हैं? खुशामदी। Elizabeth Rye. Elizabeth? हाँ, she's so good. सुन लो, सहेली आपकी क्या कह रही है? She's so good. I know her. She's so good.
ट्यूनर के बगैर नहीं गा सकता। आयमा मैंने सुना है कि वो ट्यूनर के बगैर अच्छा नहीं गाती। अच्छा आयमा बेग यू थिंक कि वो ट्यूनर के बगैर? आई एम नॉट थिंक, मैंने सिर्फ सुना है ऐसा। चोरी के गाने गाने वाला या चोरी के गाने गाने वाली? चोरी के, मुझे कहते हैं इंडिया ज्यादा चोरी करता है पाकिस्तानी, है ना? हाँ। आजकल तो बहुत वही करते हैं। हमारे अपने गाने तो हमारे अपने आर्टिस्ट हम गा सकते हैं, लेकिन हमारा जो दूसरा मुल्क है, हमसाया मुल्क है, वो बहुत चोर है भैया हमारे गानों को लेकर। दिल गलती कर बैठा है हमारा गाना, बहुत हिट गाना है हमारे मुल्क का, वो चोरी। अभी ब्रारुल हक का एक गाना है, वो चोरी हुआ है। तो बहुत से ऐसे गाने जिनके कॉपीराइट्स उनके पास नहीं होते, वो कर लेते हैं। हदीका कियानी जी का गाना बिल्कुल उनका भी चोरी हुआ, कनिका ने गाया है। तो नहीं करना चाहिए ऐसे मेरे ख्याल से। तो ये सबसे बड़े चोर है। एक गाने वाली सिंगर, मतलब सिर्फ एक ही गाना गाया, वो भी किसी काम का नहीं, लेकिन एटीट्यूड आसमान पे है। ये नहीं कह सकते किसी काम का नहीं है, लेकिन एक गाना गाया है और उसके बाद उसका एटीट्यूड बनता है, और वो है एनी खालिद। एनी खालिद, हाँ। निम्रा, किसको गाना छोड़ देना चाहिए, गाना ही नहीं चाहिए, किस सिंगर को? किसी को नहीं। ये तो, ये देखो सियासी जवाब इधर नहीं चलेगा। मैं सियासी दे नहीं रही हूँ एक्चुअली, मुझे ही छोड़ देना चाहिए फिर, मैं खुद इतना बेसुरा गाती हूँ तो यार। नहीं, अपने अलावा। और देखो यहाँ पे तो मैं लिस्बत का नाम भी नहीं ले सकती। कहने लगी थी तुझे माफी मांग लेनी लिस्बत, तुम्हें गाना छोड़ देना चाहिए, और मैं किसी को कह नहीं सकती, प्लीज अंडरस्टैंड, तुम्हें गाना छोड़ देना। बताया लिस्बत का नाम नहीं ले सकती। नहीं यार, लिस्बत बहुत अच्छा गाती है, पर तुम्हें गाना छोड़ देना चाहिए। ये ऐसी दोस्ती हो तो फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे पता है उसको, तो मैं समझा लूंगी यार, बाकियों को क्या करूंगी। तो चले जी, जबरदस्त हो गया। थैंक यू।